हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होप्स आप सब ठीक होंगे, अपने घर पे मजे से स्टडी कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे आप सब। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड डिस्कस किया था। रदरफोर्ड मॉडल का जो ड्रॉबैक्स है वो देखे थे हमने। उसके अंदर हमने देखा था कि लाइक जो मेजर ड्रॉबैक था वो लाइन स्पेक्ट्रम था। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो लाइन स्पेक्ट्रम को ही हम अब आगे जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम को समझने से पहले हमें समझना होगा कि नेचर ऑफ लाइट को समझना होगा, मतलब कि रेडिएंट एनर्जी को समझना होगा हमें। ठीक है, तो इसको समझेंगे अपन। तो इसको समझाने के लिए क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट आए। सबसे पहले न्यूटन्स आए, फिर उसके बाद प्लैंक्स आए, ठीक है, जेम्स मैक्सवेल आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए। सबसे पहले जो न्यूटन्स आए थे, न्यूटन्स ने अपनी एक थ्योरी दी थी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लाइट है वो किससे बनी है, पार्टिकल से मिलकर बनी है। एक्चुअली जो लाइट है उसके नेचर के लिए तो काफ़ी पुरानी पुराने टाइम से डिस्कशन चलता आ रहा है कि लाइट कैसे बनी है, लाइट कैसे बनी है, क्योंकि लाइट हमेशा से रही है। ठीक है, जब इंसान नहीं था उससे पहले से लाइट थी, तो लाइट के बारे में लोगों में ऑफकोर्स था तो सही कहीं ना कहीं अंदर कि लाइट बनी कैसे है, ये लाइट का ओरिजिन क्या है ये। ठीक है, तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए, लेकिन सिर्फ एंशिएंट टाइम पे तो जाएंगे नहीं अपन। अपन न्यूटन्स की बात कर लेते हैं कि न्यूटन्स ने अपनी थ्योरी के अंदर कहा था कि पार्टिकल से मिलकर बनी है लाइट, और उस बिहाफ पे उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स भी प्रूव कर दिए थे। ठीक है, वो पॉइंट्स क्या थे, उन्होंने प्रूव कर दिया था, रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया था, रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया था, लेकिन वो कुछ पॉइंट्स को प्रूव नहीं कर पाए थे, जैसे डिफ्लेक्शन हो गया हमारे पास, इंटरफेरेंस हो गया, इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाए थे। ठीक है, इस वजह से उनकी जो थ्योरी थी वो थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद उनको चैलेंज करने आए जेम्स मैक्सवेल, और जेम्स मैक्सवेल अपनी जो थ्योरी लेके आया, उस थ्योरी को बोलेंगे अपन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं अपन आगे के टॉपिक्स, जो कि 11th के मेजर टॉपिक्स में आ जाते हैं आप, क्योंकि इससे पहले जो पढ़ चुके हैं आप वो कहीं ना कहीं आपको 9th टू 10th के अंदर कनेक्ट कर रहे थे। 9th 10th में आपने कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बारे में सुना था, पढ़ा था, देखा था, जो भी आप कहें, लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं अपन वो बिल्कुल फ्रेश है, तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना होगा हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन, हेडिंग डालते हैं अपन यहाँ पे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को शॉर्ट में बोलेंगे अपन EMR। ठीक है, या फिर EMR बोल लिख देता हूँ यहाँ पहले मैं, EMR, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव थ्योरी, जिसको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बोलूँगा EMW। ठीक है, तो ये दिया था, ये थ्योरी जो दी थी वो दी थी किसने, जेम्स मैक्सवेल ने दी थी। जेम्स मैक्सवेल ने ये थ्योरी दी थी, कब दी थी, 1870s में दी थी। ठीक है, बहुत पुरानी बात है, उस टाइम पे ऐसे साइंटिस्ट कम ही हुआ करते थे। उन्होंने थ्योरी दी, उन्होंने कहा कि भाई साहब न्यूटन्स ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लाइट है वो वेव नेचर की है, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, जहाँ से भी ओरिजिन हो रहा है वहाँ से वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, और हर जगह पर वो मूवमेंट कर रही है, जहाँ जहाँ पर उनको डायरेक्शन मिल रही है। ठीक है, रही बात आपकी कि आप जो पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे डिफ्रेक्शन इंटरफेरेंस का, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अब। ठीक है, तो जेम्स मैक्सवेल जो थे वही सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया चार्ज बॉडीज के इंट्रैक्शन को। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर को भी एक्सप्लेन किया, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे एक्सप्लेन कर पाए थे वो भी। ठीक है, तो इसी पॉइंट को पहले लिख लेते हैं अपन, उसके बाद आगे की बात करेंगे अपन। जेम्स मैक्सवेल वाज द फर्स्ट टू गिव अ कॉम्प्रेहेंसिव एक्सप्लेनेशन अबाउट द इंट्रैक्शन, किस किस के बीच में, चार्ज बॉडीज के बीच में, बिटवीन चार्ज बॉडीज, और क्या बताया उन्होंने, द बिहेवियर
ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड एंड मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जनरेट तो हो रही थी लेकिन इनका बिहेवियर क्या था वो समझ में नहीं आता किसी को, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई जब चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक्सेलेरेशन होगा, तो अंडर द एक्सेलेरेशन जब वो मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को भी साथ साथ में प्रोड्यूस करता जाएगा और तो साथ में ट्रांसमिट भी होती जाएगी चीज़ें। ठीक है, और ये सब चीज़ कैसे होगी, ऐसे वेव की फॉर्म में होगी, बहती हवा सतह बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल बहती हुई रहेगी वेव हमारी, बहती हुई जैसे दिखती है आपको वैसी वेव बनती है, लेकिन उस वेव के अंदर तीन टाइप की चीज़ें रहेगी, एक चार्ज पार्टिकल, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड, तीन टाइप की चीज़ें रहेगी और तीनों आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांसमिट होती रहेगी। और कैसे ट्रांसमिट होगी कि तीनों आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल बना के रखेगी, वो परपेंडिकुलर रहेगी मतलब कि एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन, यहाँ लिख लेते हैं ऑन बिहेवियर ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल। एंड क्या सजेस्ट किया उन्होंने, ही सजेस्टेड डेट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स कैसे अंडर द एक्सेलरेशन तो क्या होगा, दो चीज़ें प्रोड्यूस होगी, देन बोथ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस। क्लियर है, समझ में आ रहा है, प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिटेड। और कैसे मूव करेगी ये, कैसे चीज़ें तीनों चीज़ें आपस में ट्रेवल करेगी, इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव आपको पता ही कैसा होता है, इस टाइप की वेव होती है हमारी, तो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी, और जब तीनों एक साथ वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी तो वो कंबाइंडली क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, लिख लेते हैं इसको अपन, दिस फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव के फॉर्म में तीनों ट्रांसमिट होंगे, जिसको कंबाइंडली क्या कहेंगे अपन, कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे मैंने आपको शॉर्ट में बताया अभी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अगर शॉर्ट में एक डायग्राम बना दूं मैं आपको तो और आ जाए और अच्छे से क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपको कैसे ट्रेवल करती है। तो मान लेते हैं अपन, एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक्सिस ले लेता हूँ यहाँ पे, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं अपन कि प्रोपोगेशन हो रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो मान लेते हैं अपन कि वाई एक्सिस से क्या है जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ये क्या हो गया हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई परपेंडिकुलर। ठीक है, और जेड एक्सिस से मान लेते हैं अपन कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है, तो ये जो हमारी बनी कौन सी है ये, हाँ ये तो है, ये हमारी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, तीनों क्या है आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस टाइप की वेव थी हमारी, ये वेव ट्रेवल कर रही थी हमारी यहाँ पे, चलिए इसको नोट डाउन करें, नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं अपन। क्लियर, चलिए ठीक है। अब ये सब उन्होंने बता दिया, अब उन्होंने बोला कि भाई
मैंने बता दिया है कि वेव की फॉर्मेट ट्रेवल करती है, उस वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या होगी वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज ही बताई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, तो प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं अपन। एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो परपेंडिकुलर रहेगी तीनों आपस में एक दूसरे के, ठीक है। और दो तीन प्रॉपर्टी है उनको साथ में डिस्कस करते चलेंगे, पहले हम एक एक करके बात करते हैं। पहले डाल लेते हैं अपन यहाँ पे कि द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर, पहली जो थी वो थी कि परपेंडिकुलर रहती है, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन द रेडिएशंस, रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, जो कि कैसे ऑसिलेट होगी, परपेंडिकुलर ऑसिलेट होगी, ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अगर हम बोले कि वो किसके साथ और इसके अलावा किसके और किससे परपेंडिकुलर होगी वो, तो वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है उससे भी परपेंडिकुलर रहेगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। सेकंड उन्होंने पॉइंट बोला कि जो वेव्स है, ये वेव्स एंशियंट टाइम से बात हो रही है, कहीं ना कहीं से वेव्स आ ही रही है, तो सन से भी वेव्स आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि जो वेव्स हैं उन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए कोई स्पेशल मीडियम नहीं चाहिए होता कि उनको एक इस मीडियम से गुजारेंगे तभी ये ट्रेवल करेगी, वो कहीं भी ट्रेवल कर सकती है इट रिस्पेक्ट टू द एनी मीडियम, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं होता। तो जैसे साउंड वेव के लिए मीडियम चाहिए होता है, ठीक है, वाटर वेव के लिए मीडियम चाहिए होता है, ऐसे इनको मीडियम नहीं चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल कैसे दिया, जैसे सन जो है वो अर्थ पे आ रहा है तो वो काफ़ी सारे मीडियम से पास होता हुआ आ रहा होगा, इसमें एक मीडियम है स्पेस। स्पेस को क्या बोलेंगे अपन, नॉन मटेरियल मीडियम बोलेंगे, मतलब कि वहाँ पे क्या है, एक वैक्यूम है, तो वो वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती है ऐसी रेज है ये, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे, अनलाइक साउंड एंड वाटर वेव EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, मतलब कि क्या, दे कैन मूव इन वैक्यूम ऑल्सो, ठीक है। बात क्लियर है सबको यहाँ पे, ठीक है। तो रेडिएशंस होगी ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, और रेडिएशन का कैरेक्टर कैसा होगा, वेव कैरेक्टर होगा, ठीक है। वेव की फॉर्म में ये रेडिएट करेगी हमेशा, और किस स्पीड से रेडिएट करेगी ये भी उन्होंने बताया कि ये जो रेस है हमारी ये हमेशा वैक्यूम में भी ट्रेवल करेगी, सब जगह ट्रेवल करेगी, तो इनकी जो स्पीड होगी वो मीडियम से कहीं ना कहीं इफेक्टेड तो होने वाली नहीं है। दैट मीन्स कि इसकी जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर रहेगी, तो इसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर रहती है, और ये इसका कैरेक्टर कैसा है, वेव कैरेक्टर है, ठीक है। तो वही लिख लेता हूँ यहाँ पे, द रेडिएशन पॉजेस वेव कैरेक्टर एंड ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बेटा, कितनी होती है, डेट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये स्पीड रहेगी और ये वेव कैरेक्टर पोजेस करेगी। अब इन्होंने जो वेव बनाई हमारी, उस वेव की पूरी मैथ्स भी समझा दी कि इस वेव की लेंथ कितनी होगी, इस वेव की हाइट कितनी होगी, इस वेव की स्पीड कितनी होगी, ठीक है, ये सब कुछ उन्होंने बताया। और इसी को हम आगे पढ़ने वाले हैं, वेव के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि वेव की पूरी ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं हम, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने वाले हैं इसका, कि इस हर चीज़ देखने वाले हैं इसकी अपन। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स
आर यूज टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई एम आर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली ज्योमेट्री उन्होंने बताई, वो बताई उन्होंने वेवलेंथ के बारे में, कि वेवलेंथ चीज़ होगी वेव के अंदर। कैसे होगी वेवलेंथ? मैं अगर आपको डायग्राम के थ्रू बताऊं यहाँ पे, तो जो वेव ट्रेवल कर रही है वो कैसे ट्रेवल कर रही है, इस वे में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होगी? उन्होंने बोला कि जो ये अपर वाली वेव का जो टॉप पॉइंट है उसको बोलेंगे हम क्रेस्ट, और नीचे वाली जो वेव है बॉटम वेव उसके जो टॉप होगा उसको बोलेंगे हम ट्रफ। ठीक है, तो जो दो क्रेस्ट के बीच की जो लेंथ होगी उसको उन्होंने बोला वेवलेंथ, उसको रिसेम्बल करते हैं लैम्डा से। सिमिलरली जो ट्रफ के बीच में जो लेंथ होगी उसको उन्होंने बोला लैम्डा। पूरी ज्योमेट्री बताया उन्होंने, कि एक एक चीज़ की बात करी उन्होंने, इसकी लेंथ की बात करी, इसकी हाइट की बात करी, उन्होंने हर चीज़ के बारे में बताया कि वेव क्या चीज़ होगी। तो वेवलेंथ उन्होंने पहली चीज़ बताई कि वेव के बारे में, लिख लेते हैं इसको डेफिनेशन में, अगर केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखना चाहें अगर हम, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? वेवलेंथ क्या है? द लेंथ बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव साथ साथ क्रेस्ट और ट्रफ। ठीक है, बात क्लियर? इसको रिप्रेजेंट कैसे करा हमने? लैम्डा से करा, लिख लेता हूँ यहाँ पे फटाफट से। वो चीज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, क्या बोलेंगे इसको? LEMBDA, लैम्डा। ठीक है, और मेजर कैसे करेंगे इसको? भाई ये लेंथ है, लेंथ में मतलब मीटर में मेजर करेंगे, लेकिन डायग्राम में बहुत बड़ी दिख रही है आपको, एक्चुअल में इतनी बड़ी नहीं होती, बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है, इतनी शॉर्ट होती है कि इसके लिए हमने यूनिट भी मैं जनरली डिसाइड कर दी, कि जनरली लैम्डा जो है वो किस में होता है? एमस्ट्रॉन्ग में होता है या फिर नैनोमीटर में होता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे मेजर्ड इन आर्मस्ट्रॉन्ग, इट इज एनोड और नैनोमीटर, जो कि क्या होता है? NM। ठीक है, बात क्लियर? अगर मैं सिंपली आपको बता दूं, जिसको नहीं पता, कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होता है? 10^-10 मीटर होता है, और 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10^-9 मीटर होता है। बात क्लियर होगी? पहली पहली जो यूनिट थी वो क्लियर हो गई आपको वेव के बारे में। सेकेंड यूनिट पे आते हैं अपन, जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए, तो सेकेंड यूनिट की बात करते हैं अपन, जो कि क्या है? फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? उन्होंने बोला कि जो वेव है हमारी वो एक पॉइंट से सड़सठ 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव पास हो रही है इस पॉइंट से, एक पॉइंट डिसाइड कर दिया और टाइम स्टॉप वॉच ऑन करी, 1 सेकेंड में कितनी वेव निकली। तो जो नंबर ऑफ वेव्स पास होगी एक पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड के अंदर उसको बोलेंगे हम फ्रिक्वेंसी। क्लियर? समझ आ गया आपको? इजीली समझ में आया है ना? लिख लेते हैं डेफिनेशन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। द नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट का कितने से टाइम में? इन 1 सेकेंड, वो क्या होगी? फ्रिक्वेंसी होगी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अब हम? वहाँ तो मैं डायग्राम के थ्रू बता देता आपको, लिख दिया था वहाँ पे, समझ में आ गया था आपको पहले ही, है ना? यहाँ तो कैसे बता करें? तो फ्रिक्वेंसी को डिनोट करेंगे अपन एक सिंबल के थ्रू, जो सिंबल होगा इस टाइप का, जिसको बोलेंगे अपन नू, है ना? और जो यूनिट होगी इसकी वो क्या होगी? हर्ट्स। इसको डिनोट करते हैं अपन H जैसे।
ठीक है, और भी कई सारी यूनिट हो सकती है इसकी, जैसे हम बात करें वन साइकिल पर सेकंड, जो कि किसके बराबर होगा, वन हर्ट्स के बराबर होगा। वन किलो हर्ट्स की बात करूं तो किलो लगते हैं, आपको पता है क्या करना है हमें, 10 की पावर 3 कर देना है, क्योंकि 1 किलो कितना होता है, 1000 के बराबर होता है, 10 की पावर 3 हर्ट्स। सिमिलरली अगर 1 मेगा हर्ट्स आ जाए आपके पास तो आपके लिखेंगे यहाँ पे 1 मेगा कितना होता है, 10 की पावर 6 होता है, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेकेंड यूनिट हो गई हमारी। तीसरी उन्होंने बात करी इसकी स्पीड के बारे में, बात करी फिर वेव की स्पीड के बारे में। तो थर्ड होगा हमारा, ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है हमारी, है ना। वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे अपन, कि एक वेव 1 सेकेंड के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसको बोल देंगे हम वेलोसिटी, है ना। तो डोंट बी कन्फ्यूज बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी डिफाइन कर रही है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी एक वेव 1 सेकेंड के अंदर। यहाँ पे बात कर रहा है कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होगी एक पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड के अंदर, दोनों अलग अलग चीज़ है। क्लियर, तो वेलोसिटी लिख लेते हैं यहाँ पे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, ठीक है, ये वेलोसिटी हो जाएगी। अब कुछ भी हो, वेलोसिटी में की बात मैं बता चुका हूँ आपको कि वेव की स्पीड कितनी होगी, बता चुका हूँ ना। तो यहाँ पे अलग से लिख दिया वो अलग बात है, क्योंकि तो हमें सारे यूनिट बतानी थी कि कौन कौन सी यूनिट होती है वेव की, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होगी जनरली। तो हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट भी कैसे करेंगे, जैसे स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं वही चीज़ से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे हम, यहाँ पे रिप्रेजेंट बाय सी, स्पीड ऑफ लाइट को इसी से सिंबल करते हैं अपन, तो इसी से सिंबल कर दिया हमने। नाउ 3 मिनट हो गए हमारे पास, वेवलेंथ होगी, फ्रिक्वेंसी होगी, वेलोसिटी हो गई। तो अब अगर आपसे फ्रिक्वेंसी देख के वेवलेंथ पूछ ली जाए तो निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। उसको निकालने के लिए एक रिलेशनशिप निकाला गया तीनों के बीच में, जिससे एक चीज देख के दूसरी चीज पूछ ली जाए। तो वो रिलेशनशिप से एक फॉर्मूला बना, उस फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चंस बने, वो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। किस किस बीच में रिलेशन था, वेलोसिटी के बीच में, वेवलेंथ के बीच में और फ्रिक्वेंसी के बीच में, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप निकल के आया, ठीक है, वो रिलेशनशिप था सी इक्वल टू म्यू लैम्डा। कैसे आया ये रिलेशनशिप, म्यू क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है हमारी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, और लैम्डा क्या होता है, हमारा लेंथ है ईच वेव की। तो जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे अपन तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगी, वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। और वेलोसिटी आ गई हमारे पास तो एक फॉर्मूला बन के आ गया सी इक्वल टू म्यू लैम्डा, ठीक है। इसी पे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, वो क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे, लेकिन अभी यूनिट्स का डिस्कशन चल रहा है तो एक बार सारी यूनिट्स कर लें फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो फोर्थ जो यूनिट आई है हमारे पास वो है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है यहाँ पे, द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं दूसरी डेफिनेशन लिखूंगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगा क्या होता है ये। इट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, क्लियर, कोई डाउट नहीं। वेव नंबर को रिसेंबल कैसे करेंगे अपन, वेव नंबर को रिसेंबल करेंगे अपन, लिख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से, रिप्रेजेंटेड बाय वी बार, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ के, मतलब कि 1 बाय लैम्डा, और लैम्डा किसके बराबर होगा, सी बाय म्यू। तो लैम्डा की जगह पर अगर मैं सी बाय म्यू रख दूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, म्यू बाय सी। तो ये वेव नंबर इसके बराबर भी हो गया, वेव नंबर इसके बराबर भी हो गया, इस तरह से यहाँ पे दो फॉर्मूले बन के आ गए हमारे पास, ठीक है। तो लास्ट जो बचा हमारे पास एक यूनिट, उसको लिख लेते हैं, ये बात करेगा उस वेव की हाइट के बारे में, ठीक है। तो
लास्ट यूनिट जो होगी हमारी वो होगी एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि वो वेव की हाइट के बारे में बात करता है, मतलब कि जो वेव है हमारी वो ट्रेवल कैसे कर रही है, इस टाइप से ट्रेवल कर रही है। तो ये हाइट है, जो मैक्सिमम हाइट होगी ये क्या कहलाएगी, एम्पलीट्यूड कहलाएगी, जिसको सिंबल करेंगे अपन कैपिटल ए से। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड है, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं अपन, इट इज़ अ हाइट ऑफ, किसी के भी ले सकते हैं आप, क्रेस्ट के भी ले सकते हैं, और डेप्थ ले सकते हैं अपन ऑफ ट्रफ। क्लियर, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और एम्पलीट्यूड जो है, आप एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड किसको डिटरमाइन करता है, इंटेंसिटी को भी डिटरमाइन करता है, ये जितना एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड के लिए आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फटाफट, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे सारे यूनिट होगी, उन्होंने पूरी ज्योमेट्री बता दी कि भाई ये वेव है, इस वेव की स्पीड देख लो आप, इसकी वेवलेंथ देख लो, इसकी फ्रिक्वेंसी देख लो, इसका एम्पलीट्यूड देख लो, इसका वेव नंबर देख लो, सब देख लो आप, इस पूरी वेवलेंथ के बारे, वेव के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, मजाक ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। ठीक है, चलो नोट डाउन कर ले फटाफट बेटा, तो मैं पेस्टेंट करूँ और आगे बढ़े हम। चलिए, तो अब सब यूनिट हम देख चुके हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि रिलेशनशिप भी निकल के आ गया था वहाँ पे, वेव नंबर का एक फॉर्मूला भी निकल के आ गया वहाँ पे, तो दो फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं। इस दो फॉर्मूले से अब जब फॉर्मूला आ जाते हैं तो क्या होता है कि कोई ना कोई ऐसा होता है जो क्वेश्चन बना देता है उस पर और हमें सॉल्व करने पड़ते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी बन गए। वो क्वेश्चंस कैसे बने वो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ आपको, उसको फटाफट से सॉल्व कर लेंगे अपन, क्योंकि दो ही फॉर्मूले हैं, अभी कन्फ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे अपन, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, जो ले ले करेंगे, मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। क्या किसी किसी को क्वेश्चन से ही टॉपिक समझ में आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आने लग जाता है, अरे ये चीज़ है एक्चुअल में, अब तो क्वेश्चन भी ज़रूरी है। कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ एन अल्ट्रावायलेट वेव इफ इट्स फ्रिक्वेंसी इज कितनी, 12 × 10⁻⁶ साइकिल पर सेकेंड। अब कंफ्यूज थोड़ा सा इसने कर दिया, क्योंकि जनरली ये होता है कि किसी को फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन यूनिट देख के समझ आ जाता है कि अरे यार ये यूनिट है तो फ्रिक्वेंसी है, ये वेवलेंथ पूछी है, तो फॉर्मूला फटाफट इसको रिवाइंड हो जाता है दिमाग के अंदर। बट यहाँ पे साइकिल पर सेकेंड कर दिया तो थोड़ा सा कन्फ्यूज कर दिया, लेकिन एज यूजल मैं आपको बता चुका हूँ कि साइकिल पर सेकेंड इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो वेवलेंथ पूछी है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है, हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं फटाफट से हम। लेकिन उससे पहले आप, मैंने आपको इतने सारे हिंट दिए तो दे ऑलरेडी दे ही दिए, लेकिन फिर भी आप स्क्रीन पॉज करें फटाफट से, अपने हैंड पे ट्राई करें। ठीक है, कर लिया पॉज, ट्राई हो गया पक्का, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। फॉर्मूला क्या यूज़ होगा हमारा, सी इक्वल टू म्यू लैम्डा, क्या पूछा है आपसे, फ्रिक्वेंसी दे रखी है, वेवलेंथ पूछी है, मतलब कि लैम्डा निकालना है आपको, तो यहाँ से लैम्डा कितना हो जाएगा, सी बाय म्यू, सॉरी म्यू निकालना है ना, म्यू लिखना है ना, म्यू तो सी कितना होता है, 3 × 10⁸, और म्यू आपको दे ही रखा है 12 × 10⁶, काटा पीसी करी हमने, 1/4 किया, 1/4 कितना होता है, 0.25, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, 10⁶ पावर ऊपर गई, 8 − 16 कितना हो गया, 10⁻¹। ठीक है, वेवलेंथ की यूनिट कितनी होती है, हाँ वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर में होती है, तो ये मीटर में हो गई। और कुछ अगर बनाना चाहे तो इससे ये भी बना सकते हैं कि कितना हो जाएगा, 2.5 × 10⁻¹, तो वो ऑप्शन टू ऑप्शन डिपेंड करता है आपके पास, कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं लेकिन ऑप्शन में घुमा देते हैं,
ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा होता, और हम सोच रहे होते हैं कि यार हमें कुछ नहीं आता, लेकिन हमें सब आता है, ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, वहाँ से थोड़ा सा तकलीफ़ हो जाती है हमें बस। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है भाई? एक तो वेव नंबर, दूसरा करना है हमें फ्रिक्वेंसी, किसकी करनी है? ऑफ येलो रेडिएशन, येलो रेडिएशन कुछ तो दे रखा होगा इसने, हैविंग वेवलेंथ कितनी दे रखी है भाई? 5800 आर्मस्ट्रांग। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है वो आप समझ ही गए। ठीक है, जैसे लैम्डा निकाला वैसे फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। वेव नंबर का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। चल से निकालें, स्क्रीन पॉज करें, ट्राई करें। हो गया ट्राई, चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेव नंबर को। वेव नंबर जो कि किससे सिंबल करते हैं इसको, वी बार से, क्योंकि तो किसके बराबर होता है? 1/लैम्डा, और लैम्डा डेट मीन्स की वेव लेंथ वो आपको दे रखी है ऑलरेडी, निकल जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/5800 आर्मस्ट्रांग। अगर आर्मस्ट्रांग को मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 5800 × 10^-12। क्लियर? और अगर आगे बढ़े अपन तो इसको सॉल्व करेंगे। चलिए से सॉल्व करें इसको आप, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया कर रखा है यहाँ पे। जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 1.724, दिख रहा है आपको, × 10^6 पर मीटर। भाई इंच अलग है ना मीटर, तो ये इन्वर्स में आ जाएगा मीटर, है ना, ये यूनिट हो गई इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी पूछिए आपसे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को सिमिल करते हैं नू से। ये लगा दिया हमने नू, जो कि किसके बराबर होगा? फॉर्मूला याद है हमें, C=μ λ। तो ये कितना हो गया? C/λ के बराबर हो गया। सी कितना है हमारे पास? स्पीड ऑफ लाइट, डेट इज़ 3 × 10^8। और लैम्डा कितना दे रखा है आपको? वेवलेंथ दे रखी है 5800 × आर्मस्ट्रांग, जो कि कितना होता है? 10^-10। अगेन इसको सॉल्व कर लेंगे आप, जल्दी से सॉल्व करें, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व किया हमारे पास, तो आंसर आया 5.172 × 10^14 पर सेकेंड। इजी था, मज़ा आया है ना, बस ऐसे ही मज़ा आता रहेंगे, जल्दी जल्दी करते जाएंगे अपन, समझते चलेंगे। अब तो क्वेश्चन भी फटाफट होने लग जाते हैं जब समझ में आने लग जाती चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक रेडियो वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी, अच्छा फ्रिक्वेंसी दे दी इसने यहाँ पे, ऑफ फ्रिक्वेंसी 6 × 10^3 पर सेकेंड टू ट्रेवल फ्रॉम मार्स, अच्छा मार्स से ट्रेवल करना है अब इसको, टू अर्थ, अर्थ तक। ठीक है, जो कि डिस्टेंस कितनी है इसकी बीच में, मार्स और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है, और डिस्टेंस ऑफ 8 × 10^7 किलोमीटर। बाप रे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है टाइम, कि कितना टाइम लगेगा किसी पर्टिकुलर रेडियो वेव को, जिसकी फ्रिक्वेंसी इतनी है, वो ट्रेवल कर रही है मार्स से अर्थ पे, जिसकी डिस्टेंस आपको दे दी। तो आपसे पूछा है कि हाउ लॉन्ग, मतलब कि टाइम कितना लगने वाला है, तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है। जल्दी से सॉल्व करें बेटा आप। हो गया सॉल्व पक्का? स्क्रीन पॉज करी,
चलिए करते हैं सॉल्व सॉल्यूशन। नाउ टाइम पूछा है तो हमें स्पीड और डिस्टेंस दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। टाइम पूछा है, स्पीड पता होनी चाहिए हमें, और किसी भी वेव की स्पीड तो हमें जग जाहिर है क्योंकि कितनी होती है 3 × 10⁻⁸ होती है। नाउ बचा डिस्टेंस जो कि हमें पता नहीं होती, इतनी यूजुअली इतनी सारी डिस्टेंस लेकिन क्वेश्चन में गिवन है तो हमें पता है कितनी डिस्टेंस है मार्स से अर्थ की 8 × 10⁷ किलोमीटर। नाउ स्पीड पता लग गई, डिस्टेंस पता लगी तो टाइम इजीली निकल जाएगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस देखिए हमें किलोमीटर में, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मीटर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि स्पीड जो है वो है सेकेंड के अंदर, यह मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। मार्क्स यहीं पे कट जाते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है लेकिन मार्क्स कट जाते हैं यहीं पे। ये सेकंड में है तो वो भी मीटर में होना चाहिए, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो डिस्टेंस को कन्वर्ट कर लेंगे अपन पहले मीटर के अंदर, 8 × 10⁷ मीटर में कन्वर्ट किया तो 10³ से और मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, और स्पीड हमारे पास मैंशन है 3 × 10⁸। सॉल्व कर लेंगे इसको, 8 को डिवाइड किया 3 से तो आंसर आया हमारे पास कितना आएगा, 2 point something कुछ तो आएगा, 2.66 × 7 + 3 = 10, 10 - 8 = 2, 10²² seconds इतना सा टाइम लगेगा इसको, लगभग लगभग कितना हो रहा है ये 4 minutes something कुछ सेकंड्स हो रहे हैं ये, तो 4 मिनट्स के अंदर मार्स से अर्थ पे रेडियो वेव आ जाएगी। बहुत तेज स्पीड है भाई ये, तो इंडिया तो कभी कम्पीट ही नहीं कर पाएगा, वर्ल्ड कम्पीट नहीं कर पाएगा ये तो, है ना। तो ये क्वेश्चंस कुछ हो गए हमारे पास। नाउ नेक्स्ट जो बढ़ेंगे अपन और इम्पोर्टेंट चीज़ पे बढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी तक हम बात कर रहे थे वेव की, अब स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। स्पेक्ट्रम क्या होता है, अब इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी वेव है, आप मोबाइल चलाते हैं वहाँ से वेव निकलती है, आप माइक्रोवेव चलाते हैं वहाँ से वेव निकलती है, ठीक है। अब रेडार पे कुछ चीज़ चल रही है तो वहाँ से वेव निकलती है, हर जगह वेव है, आपको पता ही है कि हम चारों तरफ वेव से घिरे हुए हैं, लेकिन इनमें से आप कुछ ही वेव को देख पाते हैं। जो देख पाते हैं वो क्या है, कलर्स, आप केवल कलर्स को देख पा रहे हैं, मोबाइल में से निकली हुई वेव को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन बल्ब में से निकली हुई वेव को देख पा रहे हैं क्योंकि वहाँ से जो फ्रिक्वेंसी जो वेवलेंथ निकल रही है वो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी कुछ ऐसी है कि जो हमारी आइज डिटेक्ट कर लेती है, तो हम कुछ ही रीज़न की स्पेक्ट्रम को देख पाते हैं, ठीक है। होने में तो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जहाँ पे बहुत सारी रेज हैं, लेकिन हम कुछ सिलेक्टेड रेज को देख पाते हैं जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विबग्योर। सुना है ना, पता करें, नोट डाउन करें जब तक हमें पेज चेंज करता हूँ, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालते हैं अपन यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो हमें आप क्या काम रह गया, बस हमें थोड़ा सा थ्योरी लिखने का काम रह गया, थोड़ा सा डिफाइन करने का काम रह गया ताकि हमें अच्छे अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच डिफर फ्रॉम वन अनादर, सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं, किस रेस्पेक्ट में, इन वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और ये स्पेक्ट्रम जो बना है इसके अंदर काफ़ी सारी वेव्स है, ठीक है। तो दिस कंसिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम
और जो स्पेक्ट्रम है हमारा, उस स्पेक्ट्रम के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी है। तो हमने पूरे स्पेक्ट्रम को कई सारे रीजन्स में डिवाइड कर दिया और हर एक रीजन को हमने एक यूनिक नेम दिया। ठीक है, क्या नाम दिए वो आपने सुने ही होंगे डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे हम देख भी लेंगे। डिफरेंट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम आर आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट नेम। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो जैसे मैं पहले एग्जाम्पल दूँ आपको, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी, सुनिए आपने रेडियो फ्रिक्वेंसी कहाँ पे यूज़ होती है? रेडियो के अंदर यूज़ होती है, जहाँ पे एम FM ये सब होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी है। वो क्या करते हैं हम वहाँ पर जब घुमाते हैं व्हील को, तो व्हील क्या करते हैं हम उसकी फ्रिक्वेंसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम गाने सुन पाएँ। रेडियो फ्रिक्वेंसी अराउंड, रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो अराउंड अराउंड कितनी होती है? 10^6 हर्ट्ज़। किसके लिए यूज़ होती है ये आपको पता ही है, यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग। दूसरा एग्जाम्पल लूँ मैं अगर, तो माइक्रोवेव का ले लेता हूँ, सुना है ये भी आपने माइक्रोवेव। ठीक है, ये काफ़ी होती है, रेडार पे चलती है, रेडार पे हम देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो वहाँ पे पता है हमें रेडार क्या होता है। तो वहाँ पे जो होती है वहाँ पे माइक्रोवेव को कैच करा जाता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी अराउंड अराउंड कितनी होती है? अराउंड 10^10 हर्ट्ज़ होती है। ठीक है, तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है जहाँ पे अलग अलग वेव्स ट्रेवल कर रही है अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे। तो पूरे स्पेक्ट्रम को हमने अलग अलग रीजन में डिवाइड कर दिया, जो इस रीजन में फ्रिक्वेंसीज है उसको हमने बोला रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो इस रीजन्स में फ्रिक्वेंसी है उसको हमने बोला माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, यूज फॉर रेडार। थर्ड जो होगा हमारे पास एग्जांपल ले अगर हम, तो थर्ड एग्जांपल में हम ले सकते हैं यहाँ पे इंफ्रारेड। ठीक है, मोबाइल के अंदर सबके पास इंफ्रारेड हो है, इंफ्रारेड सबके पास नहीं होता। इंफ्रारेड की फ्रिक्वेंसी होती है अराउंड अराउंड 10^13 हर्ट्स। ठीक है, और ये आप एक इसके लिए काम आती है इंफ्रारेड, जनरली यूज्ड फॉर हीटिंग। क्लियर, फोर्थ एग्जांपल अगर मैं आपको रीज़न बताऊं, तो फोर्थ रीज़न जो होगा हमारा वो होगा अल्ट्रा वायलेट रीज़न। अल्ट्रा वायलेट जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है अराउंड अराउंड 10^16 हर्ट्स। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपको पता ही कि सन रेडिएशन का एक कंपोनेंट है, सन में से रेडिएशंस निकलती है, यूवी रेडिएशंस निकलती है, हमने सुना ही है। ठीक है, वो चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती है। फिफ्थ अगर मैं बात करूँ रीज़न की, तो हम बात कर सकते हैं वो चीज़ जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, मतलब कि लाइट कलर्स। ठीक है, विजिबल लाइट, तो फिफ्थ है हमारी विजिबल लाइट। ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है अराउंड 10^15 हर्ट्स। ठीक है, तो इस टाइप से पूरा स्पेक्ट्रम है, जो स्पेक्ट्रम पूरा डिवाइड करेगा अपने रीजन्स के अंदर अंदर। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम अगर मैं पूरा बनाऊँ यहाँ पे, तो ध्यान से देखें आप यहाँ पे। ठीक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा इसको याद करने की आपको। ठीक है, तो मैं जो ऊपर लूँगा वो लूँगा फ्रिक्वेंसी हर्ट्स में होगी, और नीचे की साइड जो लूँगा मैं
थोड़ा सा स्लाइड अप कर देता हूँ उसको ताकि अच्छा सा डायग्राम नीट एंड क्लीन बन पाए। वो लूँगा मैं वेवलेंथ जो कि किस में होगी, मीटर में। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग रेडियो वेव की, उसके बाद आता है हमारे पास रेडियो वेव आ जाता है, उसके बाद शॉर्ट रेडियो वेव जो कि दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है हमने, एक तो एम और एक FM, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड, देन यूवी, और इसी के बीच में से थोड़ी सी रेडिएशन ऐसी होती है, फ्रिक्वेंसी ऐसी होती है, वेवलेंथ ऐसी होती है जो हम देख पाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेवलेंथ, विजिबल लाइट के बारे में लिखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है एक्सरे, फिर आती है गामा रेस, ठीक है। तो ये पूरा गामा रेस के बाद भी आती है, कॉस्मिक रेस भी आती है, लेकिन वो इस वीडियो के अंदर कवर नहीं हो पाएगी, तो इतना ज़रूरी भी नहीं है, कोई बात नहीं, हो पाए तो कवर, ठीक है। तो ये सारा स्पेक्ट्रम है हमारा। स्टार्टिंग कहाँ से होगी इसकी, हम अगर स्टार्टिंग करें फ्रिक्वेंसी की, तो ये फ्रिक्वेंसी स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पर 10 की पावर 0 से स्टार्ट कर देते हैं अपन यहाँ पे, जो 10 की पावर 4 तक कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद शॉर्ट रेडियो वेव आ जाती है जो कि कितनी रहती है, एम की फ्रिक्वेंसी रहती है 10 की पावर 6 और FM की फ्रिक्वेंसी रहती है 10 की पावर 8, ठीक है। देन हम थोड़ी फ्रिक्वेंसी आगे बढ़ाते हैं तो माइक्रोवेव वाले रीजन पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे 10 की पावर 10 तक पहुंच जाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 10 की पावर 12 तक पढ़ेंगे, 10 की पावर 14 पे आते आते कितना आ जाएगा, इन्फ्रारेड रीजन आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया विजिबल लाइट कहाँ पर होती है, फ्रिक्वेंसी 10 की पावर 15 होती है, तो यहाँ पर 10 की पावर 15 लिख देते हैं हम यहाँ पर। अल्ट्रा वायलेट पर आ जाएंगे 10 की पावर 16 पे, फिर और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे 10 की पावर 18 पे, और आगे बढ़ेंगे 10 की पावर 22 तक चले जाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। लॉन्ग रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है वो, उसका जो रीज़न रहता है वो 10 की पावर 8 to 10 की पावर 4 मीटर तक की जो वेवलेंथ मिलती है हमें, वो मिलती है लॉन्ग रेडियो वेव की। कितनी बड़ी वेवलेंथ है ये आप देख भी पा रहे हैं, 10 की पावर 8, बहुत बड़ा मीटर है ये, इतनी बड़े एक वेव कंप्लीट हो रही है, ठीक। उसके बाद जो रेडियो वेव होती है एम्पलीट्यूड AM की, जो रेडियो वेव होती है हमारी, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है अराउंड 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 0, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ छोटी होती जा रही है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वेवलेंथ ऐसे ऐसे हो जाएगी, ठीक है। माइक्रोवेव की वेवलेंथ हो जाएगी 10 की पावर -2, इंफ्रारेड की वेवलेंथ हो जाएगी 10 की पावर -4 to 10 की पावर -6 तक रहती है ये। 10 की पावर -7 में विजिबल वाली चीज़ आ जाती है। यूवी आती है 10 की पावर -8 पे, ये आता है 10 की पावर -10 पे, और ये लंबी चलती है 10 की पावर 12, 10 की पावर -16 ऐसे चलती है, ठीक है। ये बीच में जो 10 की पावर 15 पे जो फ्रिक्वेंसी दिख रही है आपको, ये है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के अंदर कितने टाइप के कलर्स होते हैं, 7 टाइप के कलर्स होते हैं, जिसको बोलते हैं हम रेनबो। रेनबो में 7 कलर के कलर्स होते हैं, उन 7 कलर के कलर्स को अगर एक साथ में प्रोनाउंस करूँ तो क्या प्रोनाउंस करूँगा मैं इसको, विबग्योर, ठीक है। तो विबग्योर की मैं यहाँ पे एक मिरर इमेज बना देता हूँ क्योंकि उसी वे में हम इसको अरेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मिरर इमेज के फॉर्म में लिख देता हूँ विबग्योर को, VBIP, और सॉरी ये तो पूरी मिरर इमेज बना दी मैंने, VIBGYOR, ये विबग्योर हो गया हमारा, ठीक है। क्लियर आप सबको, यहाँ पे कोई इशू नहीं, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको पूरा। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, तो कंटिन्यू रहेगा यहीं से ही हमारे पास। होप्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।